आज नंबर वन बन जाएगी टीम इंडिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि बारिश की वजह से कोलकाता वनडे पर सवाल बने हुए हैं। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत लेती है तो वो आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन पोजीशन पर आ जाएगी। चेन्नई वनडे जीतकर टीम इंडिया सीरीज में पहले ही 1-0 की बढ़त ले चुकी है। ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ अपना 100वां वनडे खेलने उतरेंगे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में फिलहाल टीम इंडिया 118 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। अगर भारतीय टीम दूसरा वनडे जीत लेती है तो वो साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ पहली पोजीशन पर आ जाएगी। टीम इंडिया ये मैच हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया से पिछड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। कंगारू टीम फिलहाल आईसीसी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है और उसके 116 रेटिंग पॉइंट्स हैं। दूसरा वनडे हारने की कंडीशन में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही 117 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईडन गार्डन्स में होने वाला ये दूसरा वनडे मैच बारिश की वजह से रद्द भी हो सकता है। कोलकाता में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अगले तीन दिन तक भारी बारिश की आशंका है, जिसकी वजह से मैच को लेकर सवाल बने हुए हैं। आज ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ अपना 100वां वनडे मैच खेलेंगे। इसे लेकर स्मिथ काफी एक्साइटेड है। स्मिथ का कहना है कि मुझे लगता है मैंने सफेद बॉल से खेलने पर काफी ध्यान लगाया है। जब मैंने वनडे क्रिकेट में बतौर बॉलर शुरू किया था, लेकिन करीब 30 मैचों के बाद मुझे बदलना पड़ा और मैं बैट्समैन बन गया। दोस्तों, क्रिकेट अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।